किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन में हर कदम पर प्रगति का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से जानेंगे कि हमें अपनी वस्तुओं की विशेषता या गुण जानने के बाद कैसा महसूस करते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सपनों का घर। किसी शहर से कुछ दूर एक किसान अपने गांव में रहता था। वैसे तो वह संपन्न था, पर फिर भी वह अपने जीवन से खुश नहीं था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर किसी अच्छी जगह बस जाएगा। अगले ही दिन उसने एक जान पहचान के रियल एस्टेट एजेंट को बुलाया और बोला, भाई मुझे तो बस किसी तरह ये जगह छोड़नी है, बस कोई सही प्रॉपर्टी दिला दो तो बात बन जाए। क्यों, क्या दिक्कत हो गई यहाँ आपको, एजेंट ने पूछा। आओ मेरे साथ, किसान बोला, देखो कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर। ये उबड़ खाबड़ रास्ते देखो और ये छोटी सी झील देखो, इसके चक्कर में पूरा घूमकर रास्ता पार करना पड़ता है। इन छोटे छोटे पहाड़ों को देखो, जानवरों को चराना कितना मुश्किल होता है। और ये देखो ये बगीचा, आधा समय तो इसकी सफाई और रख रखाव में ही चला जाता है। क्या करूंगा मैं ऐसी बेकार प्रॉपर्टी का। एजेंट ने घूम घूम कर इलाके का जायजा लिया और कुछ दिन बाद किसी ग्राहक के साथ आने का वादा किया। इस घटना के एक दो दिन बाद किसान सुबह का अखबार पढ़ रहा था कि कहीं किसी अच्छी प्रॉपर्टी का पता चल जाए जहां वो सब बेच बाँच कर जा सके। तभी उसकी नजर एक आकर्षक विज्ञापन पर पड़ी, ले सपनों का घर, एक शांत सुंदर जगह, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, सुंदर झील और पहाड़ियों के बीच, शहर की भीड़ भाड़ से उचित दूरी पर बसाए एक स्वस्थ सुंदर आसियाना, संपर्क करें डाट डाट डाट। किसान को ये ब्यौरा बहुत पसंद आया, वो बार बार उस विज्ञापन को पढ़ने लगा। पर थोड़ा ध्यान देने पर उसे लगा कि ये तो उसी की प्रॉपर्टी का विज्ञापन है। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने दिए हुए नंबर पर फोन लगाया और सचमुच ये उसी की प्रॉपर्टी का विज्ञापन था। तब किसान को एहसास हुआ कि वो वाकई में अपनी मनचाही जगह पर रहता है और ये उसकी गलती थी कि उसने अपनी ही चीजों को हमेशा गलत ढंग से देखा। अब किसान वहीं रहना चाहता था। उसने तुरंत अपने एजेंट को कॉल किया और इस विज्ञापन को हटाने को कहा। दोस्तों, इस किसान की तरह ही कई बार हमें भी अपने जीवन में बहुत शिकायतें होती हैं। लगता है कि हमारा जीवन ही सबसे बेकार है, हमारी नौकरी में ही सबसे ज्यादा खराबी है, हमारे व्यक्तित्व ही सबसे ज्यादा बदसूरत है। पर क्या आपने कभी दूसरों की नजर से अपने जीवन को देखने की कोशिश की है? क्या वाकई आपका जीवन इतना संदेहजनक है या आपने खुद जरूरत से ज्यादा उसे ऐसा बना रखा है? कहीं किसान की तरह आप भी अपने जीवन के सौंदर्य को देख अनदेखा तो नहीं कर रहे? कहीं आपको भी आपकी खुशियां गिनाने के लिए किसी कागजी विज्ञापन की जरूरत तो नहीं है? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि आपका जीवन बहुत ही सुंदर है। दूसरों को देख करके अपने जीवन को बेकार, अपनी चीजों को बेकार न समझें। आप अपने चीजों पे खुशी देखिए, अपने चीजों की विशेषता देखिए, गुण देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप ही दुनिया के वो अनमोल व्यक्ति हैं जो कि सबसे ज्यादा अच्छे हैं। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, जिससे कि आप मोटिवेट होते रहेंगे। उसके लिए प्रेस बेल आइकन।